Hello everyone, myself Shilpi Damur, Assistant Professor, Department of Zoology, Poddar International College. So in this video lecture, we are going to discuss in vitro fertilization. Now when we discuss about in vitro fertilization, there are two basic terms to be discussed about. First term here is in vitro. In vitro ka matlab hota hai, koi bhi particular ek natural process को lab के अंदर carry out करना, जबकि दूसरा term जो यहाँ पर involved है, it is fertilization. Fertilization का actual meaning है fusion of male और female gamete. तो जब भी हम इस technology की बात करते हैं, ये एक प्रकार की assisted reproductive technology है. Assisted reproductive technology को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई एक natural procedure reproduction का fail होता है, तो हम technology के through reproduction करवाने की कोशिश करते हैं. इस technique को हम assisted reproductive technology भी कह सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम इसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की प्रोसेस भी कहते हैं. फर्टिलाइजेशन बेसिकली है क्या? एग्स और स्पर्म्स को जब भी हम कंबाइन कराएंगे यूट्रस के अंदर एक स्पेशल प्रकार के लैब में, तब आपको फ्यूज होने के बाद में जो एग मिलेगा उसको हम बोलेंगे जायगोट. इस जायगोट को 2 से 6 दिन तक एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर कल्चर कराया जाता है लैब में. कल्चर कराने के बाद में इसे एक मदर की यूट्रस में ट्रांसफ़र कराया जाता है. जो मदर का यूट्रस है, इट कैन बी ओन मदर या फिर वो सरोगेट मदर भी हो सकती है. और इस ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है, इसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का नाम देते हैं. सो दिस वाज द बेसिक आउटलाइन. दिस टेक्निक इज़ नॉट वेरी मच न्यू, बट हाँ, अब इसमें आगे जाके काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं. सबसे पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल जो किया गया था, एनिमल्स पर किया गया था. फर्स्ट एनिमल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वॉज डन बाई डॉक्टर ग्रेगरी, जो कि रैबिट में कैरी काउन के हुआ था. नेक्स्ट जो ह्यूमन एग का फर्टिलाइजेशन फर्स्ट टाइम हुआ था, वो 1944 में हुआ था, जो कि डॉक्टर पिनकस द्वारा कराया गया था. फर्स्ट IVF बेबी जो कि बॉर्न हुए थे, वो थे लुइस जोए ब्राउन. अब IVF को समझने से पहले इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम लोग फिजियोलॉजिक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की समझें. सो इट ऑल स्टार्ट्स विद वेरियस हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन्स. इन हारमोन्स में जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन हैं, उनमें से कुछ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये दोनों ही हार्मोन्स ब्रेन से हाइपोथैलेमस से मीडिएट होते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, और ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी ओवरी पे. अब जैसे कि हम सब जानते हैं, ओवरी के अंदर मल्टीपल एग या मल्टीपल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इन दोनों हार्मोन के कारण एक बार में एक ओवा अच्छे से डेवलप होता है, मैच्योर कंडीशन में आता है, और ओव्यूलेशन की प्रोसेस के थ्रू ओवा को रिलीज करके फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंचाता है. अगर यहाँ पर स्पर्म पहले से अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी. अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है, देन द एग विल डीग्रेड. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो देन द जायगोट विल अंडरगो माइटोटिक क्लीवेज. माइटोटिक क्लीवेज का मतलब है वो जायगोट डिवाइड होना स्टार्ट होगा 2 सेल में, 4 सेल में, देन 8 सेल में. 8 सेल के बाद की जो स्टेज आएगी उस जायगोट की, वो कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. और ब्लास्टोसिस्ट ही वही स्टेज है जब आपका जायगोट यूट्रस के अंदर जा करके एस्टैब्लिश होता है या फिर इम्प्लांट होता है. और ये पूरी प्रोसेस 2 अलग हार्मोन से करवाई जाती है, जो कि ईस्ट्रोजन है और कि प्रोजेस्टिरोन है. ये हार्मोन उसी केस में बॉडी में बनते हैं जब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तब. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक या नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. अगर कोई भी फेलियर इस नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है, तो हमें IVF की ज़रूरत पड़ती है, या हम उस टर्म को इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं. अगर मैं टेक्निकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखूँ, इनफर्टिलिटी है क्या? इनफर्टिलिटी एक ऐसी डिजीज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जहाँ पर एक क्लिनिकल प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस के द्वारा. और इसके बहुत सारे अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, इनमें मेल जो हैं उनकी तरफ से 30% कॉजेज होते हैं, जबकि फीमेल्स के जो हैं वो भी 30% कॉजेज है. कंबाइंड दोनों के अंदर इट इज़ 10% एंड रेस्ट आर अदर कॉजेज. सो अब हम कुछ इस तरीके के क्या कॉजेज हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट वील सी अबाउट द फीमेल कॉजेज. फीमेल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है? उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है, इट कैन बी अ विमेंस एज. विमेंस एज हम सब जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एज लिमिट होती है, जैसे कि 35 या 38, उसके बाद कोई भी वेमेन नॉर्मली कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है. तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज़ ट्यूबल डिजीज़.
अगर कोई भी पर्टिकुलर फेलोपियन ट्यूब के अंदर सिस्ट आ गया है या कैंसरस प्रॉब्लम है देन ऑल्सो प्रेगनेंसी कैन बी अफेक्टेड। थर्ड प्रॉब्लम इज ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, ओवा मेच्योर हो चुका है लेकिन उसके अंदर से रिलीज नहीं हो पा रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो अ कॉज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यहाँ पर एंडोमेट्रियम का डिग्रेड होना या उसका अच्छे से प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाना ये कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOD। ये बहुत कॉमन है आजकल की वीमेंस के अंदर देखा जाता है, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे मल्टीपल ओवाज मेच्योर हो जाते हैं और एक में से भी एग रिलीज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कंडीशन इज फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स के अंदर यूट्रस के अंदर छोटे छोटे सिस्ट या गांठें बन जाती हैं। नेक्स्ट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है एक प्रकार का। सो दीज वर ऑल फीमेल्स फीमेल फैक्टर्स। अब जो है मेल की तरफ से देख सकते हैं जो प्रॉब्लम मेल मेंबर्स के अंदर देखने को मिलती है हमें, उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉब्लम्स टेस्टिकल्स। अगर टेस्टिस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज अगर किसी भी तरह से डक्ट है जो कि स्पर्म्स को कैरी कर रहे हैं वो ब्लॉक हो जाए तो भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगला जो प्रॉब्लम है दैट इज़ हार्मोनल प्रॉब्लम। हार्मोन अगर इम्बैलेंस होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ हो सकते हैं, कुछ लाइफस्टाइल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल, ये सब चीज़ें आती हैं। सो दीज वर द मेन इनफर्टिलिटी फैक्टर्स। नाउ IVF की बेसिक प्रोसेस की अगर हम बात करें उसके अंदर मेनली 6 स्टेप्स हैं जो कि बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो है वो है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन अगर हम समझे तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, ओवा की जो नेचुरल साइकिल है, ओवरी की जो नेचुरल साइकिल है, उसके अंदर इतने सारे मल्टीपल एग्स होते हैं जिसमें से एक पर्टिकुलर एग ही डेवलप होकर के ओवा रिलीज करता है, बाकी के सारे एग्स डीजनरेट हो जाते हैं। पर अगर हम ओवरी को किसी तरह से स्टिमुलेट करें विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स तो ये नेचुरल साइकिल कंटिन्यू चेंज करके हम इसे बदल सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइकिल में, जहाँ पे ओवरी के अंदर एक ही एग मैच्योर नहीं होके बहुत सारे एग एक साथ में मैच्योर होंगे। IVF करवाने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, रीज़न बीइंग एक एग से चांसेस फर्टिलाइजेशन के कम होते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे एग्स एक साथ हैं तो फर्टिलाइजेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ओवेरियन स्टिमुलेशन करवाने के लिए कुछ एक हार्मोन का इंजेक्शन फीमेल को या मदर को दिया जाता है। इनके अंदर जैसे कि ड्रग्स आप देख रहे हैं हार्मोन के नाम है, ह्यूमन मेनोपोजल गोनाडोट्रोपिन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, कुछ ड्रग्स जैसे कि क्लोमिफीन, सिट्रेट, लिट्रोजोल ये भी है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे भी दिए जाते हैं ताकि ओव्यूलेशन ना हो पाए। ओव्यूलेशन हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमको जो ओवा है वो डायरेक्टली ओवरी से ही कलेक्ट करना है, अगर वो ओवरी से बाहर निकल गया देन इट कैन नॉट बी कलेक्टेड। तो हमको ओव्यूलेशन को रोकने के लिए भी कुछ ड्रग्स देने पड़ते हैं जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब है जो इस हार्मोन के इफेक्ट को रोकने का काम करेगा। नेक्स्ट ओवेरियन स्टिमुलेशन भी 4 प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा नेचुरल साइकिल जैसे कि हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। नेचुरल साइकिल के अंदर अनस्टिमुलेटेड है वो स्पॉन्टेनियस नॉर्मल साइकिल जिसमें सिर्फ एक ही बार सिंगल ओसाइट रिलीज होता है, उसमें हमको मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है। नेक्स्ट साइकिल कैन बी मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल। मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल में भी सिंगल ओसाइट का प्रोडक्शन होगा लेकिन ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, ये थोड़ा सा सेमी नेचुरल है क्योंकि इसमें हम ड्रग्स देते हैं जो कि कम मात्रा में देते हैं, जैसे कि SCG देते हैं हम, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं। थर्ड इज माइल्ड जो कि सॉफ्ट है, थोड़ा सा मिनिमल स्टिमुलेशन होता है इसमें, वो फ्रेंडली IVF भी हम कहते हैं उसको क्योंकि उसके अंदर जो ओसाइट का नंबर है वो 2 से लेकर 7 तक हो सकता है। इसके अंदर जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो लो डोज FSH है, HMG और कुछ ओरल कंपाउंड्स भी दिए जाते हैं। आगे जो है सबसे सक्सेसफुल जिसे हम मानते हैं वो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल स्टैंडर्ड रूटीन है, और जहाँ IVF बहुत ज़्यादा टिपिकली हार्ड होती है वहाँ ये प्रोसेस अपनाई जाती है। इस प्रोसेस के अंदर एक साथ 8 ओसाइट या एग्स को हम मैच्योर करवाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए पर्टिकुलर जो हार्मोन दिए जाते हैं वो FSH, HMG, GN, RH इन सबको दिया जाता है और इनकी काफ़ी हाई डोजेस दी जाती है। सो ये सारी जो हैं ये टाइप्स ऑफ ओवेरियन स्टिमुलेशन है। ये इनमें से कोई भी प्रोसेस अगर हम अपनाएंगे तो एग्स जो हैं बहुत एक साथ मल्टीप्लाई या मैच्योर होंगे। नेक्स्ट जब हम एग्स को मैच्योर कर चुके हैं, एक साथ ओवरी को स्टिमुलेट कर चुके हैं, अब हमें पता है ओवरी के अंदर मल्टीपल एग्स प्रेजेंट हैं,
हम उन एग्स को बाहर कैसे निकालेंगे, एग्स को रिट्रीव करना, ये है सेकेंड प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं एग रिट्रीवल। एग रिट्रीवल इस अपैरेटस के द्वारा किया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इस अपैरेटस के अंदर एक सक्शन पंप प्रेजेंट है, एक कलेक्शन ट्यूब प्रेजेंट है, एक नीडल प्रेजेंट है। इस नीडल को वजाइना या सर्विक्स के थ्रू होता हुआ ट्रांस वजाइनल डाल करके हम ओवरी तक पहुंचाते हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम नीडल को ओवरी से जितना भी फॉलिकुलर फ्लूड है उसको सक करके एक कलेक्शन ट्यूब के अंदर कलेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस लाइटली पेनफुल होता है, बहुत हल्का सा पेनफुल होता है, इसलिए जो विमेन हैं उनको लाइट सेडेशन या थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है। फॉलिकुलर फ्लूड जो है ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर काफ़ी सारा फ्लूड लिक्विड आएगा, एग सेल्स भी आएंगे और अदर सेल्स भी हमको देखने को मिलेंगे। ये प्रोसेस को करवाने के लिए 20 से 40 मिनट का समय लगता है, जबकि एक साथ 10 से 30 एग्स को रिट्रीव किया जा सकता है। अब हमारे पास में एग्स भी कलेक्ट हो चुके हैं। थर्ड स्टेप इज स्पर्म कलेक्शन। स्पर्म कलेक्शन दो तरीके से होता है, हो सकता है। पहला, अगर स्पर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी डोनर के द्वारा दिया गया है, तो स्पर्म को पहले से हमने ट्रीट करके फ्रोज किया हुआ होता है, फ्रीज कर रखा होता है। उस फ्रीज्ड स्पर्म को आप बाहर निकालिए, थॉ करेंगे। थॉ करना मतलब उसे हल्का सा वार्म अप करना, और उसे हम यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। बट अगर स्पर्म डोनर से अवेलेबल नहीं है, वो फ्रेश स्पर्म है, तो हमें उसको सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, और प्रिपेरेशन के दौरान हम उसमें से इनएक्टिव सेल्स को रिमूव करेंगे। इस रिमूवल प्रोसेस को हम स्पर्म वॉशिंग भी बोलते हैं। स्पर्म वॉशिंग के अंदर हम लोग स्पर्म को या सीमेन सैंपल को कुछ फेजेस के अंदर मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं 20 मिनट्स के लिए एट 1600 आरपीएम पे। ऐसा करने से आपको तीन सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, तीन फेजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे जो लास्ट फेज है उसके अंदर हमको मिलते हैं वाइबल मोटाइल स्पर्म। वाइबल मोटाइल स्पर्म का मतलब है, वाइबल मतलब है लिविंग, मोटाइल का मतलब है द स्पर्म विच हैज़ द कैपेसिटी टू मूव, क्योंकि स्पर्म को मूव करना पड़ता है। अब जब आपके पास में एग आ चुका है, जब आपके पास में स्पर्म आ चुका है, तो अब हम लोगों को करानी है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, जो कि हम लैब के अंदर कैरी आउट करवाएंगे कोई भी पर्टिप्लेट में। सो इस प्रोसेस के लिए हम लोग 100 μL से लेकर 1 ml तक कल्चर मीडियम लेते हैं, जिसके अंदर ओसाइट या ओवा या एग ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके अंदर 10,000 से लेकर 50,000 तक हम मोटाइल स्पर्म्स ऐड करते हैं, और इस पिट्री प्लेट को हम 10 से 12 घंटे या 12 टू 13 आवर्स के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आफ्टर 12 टू 13 आवर्स हम एग्स को ऑब्जर्व करेंगे। एग्स में हमको क्या देखना है, टू प्रोन्यूक्लाई और टू पोलर बॉडीज। अगर हमें ये दोनों चीज़ें नज़र आती है, तब वी कैन से फर्टिलाइजेशन इज सक्सेसफुल। अगर ऐसा नहीं है तो जायगोट को हम रिजेक्ट कर देते हैं एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर। जब जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तब हमको उसमें डिवीजन चेक करना है। मतलब डिवीजन का मतलब है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जब सबसे पहले एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये डिवीजन आपको 10 टू 12 आर के बाद में देखने को मिलता है। अगर ऐसा नहीं हो 12 घंटे बाद या 12 के 30 घंटे बाद भी अगर डिवीजन नहीं हो, तो भी हम फर्टिलाइजेशन नहीं कंसिडर कर सकते और उस एम्ब्रियो को हम इम्प्लांटेशन के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो ये था आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो हम एक पेट्री प्लेट के अंदर कराते हैं, और उसके लिए हम 30 आवर्स तक वेट करते हैं। नेक्स्ट, अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आपको टू पोलर बॉडी और दो एम्ब्रियोज आपको नज़र आ चुके हैं, तब हम सक्सेसफुली ये कंसिडर करते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हुई है, एम्ब्रियो बन चुका है। अब उस एम्ब्रियो को हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर 2 से 4 दिन तक कल्चर करेंगे। तो इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर को हम के लिए हम एक स्पेशल प्रकार का मीडिया यूज़ करेंगे, और जो एम्ब्रियो हमको पता है फर्टिलाइज हुआ है, डिवाइड होना स्टार्ट हो चुका है, उसको हम इसमें रखते हैं। 3 से लेकर 5 दिन तक हम उस एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करते हैं। 5th डे तक उस एम्ब्रियो को हम फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहते हैं, और यही वो स्टेज है जो कि हम आगे इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को ही इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी ब्लास्टोसिस्ट का ट्रांसफ़र किया गया है, जो लाइव बर्थ रेट है पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वो इंक्रीज हो रही है। इसीलिए हम 5th स्टेज के बाद में इस्तेमाल करते हैं। सम केसेस में हम लोग 3rd डे और 5th डे दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो कल्चर हो चुका है, 5th डे तक कल्चर करने के बाद अब हम इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे मदर के यूट्रस में। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एंड दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस ऑफ IVF। ऑल्दो इट इज़ नॉट पेनफुल, बट या नीड टू केयर शुड बी टेकन ऑफ।
इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर हम लोग एक लंबा नीडल लाइक कैथेटर लेते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। एक कैथेटर लेंगे, उसके अंदर हम एम्ब्रियोस प्लेस करते हैं। एम्ब्रियो की जो नंबर है वो 1 से लेकर 3 हो सकती है। उसको वजाइना के थ्रू सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस को टारगेट करते हुए हम कैथेटर के थ्रू उसको अंदर की तरफ प्लेस कर देते हैं। ये प्रोसीजर भी आपका अल्ट्रासाउंड के थ्रू गाइड होता है। और इस पूरी प्रोसेस के बाद में हम 3 से 5 दिन का पेशेंट को या मदर को रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। इस पूरी प्रोसेस के बाद 12 दिन बाद एक प्रेगनेंसी टेस्ट शेड्यूल्ड होता है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉसिबल है तो हम फर्टिलाइजेशन या हमारा IVF सक्सेसफुल मानते हैं, और नहीं तो हम इस पूरी प्रोसेस को 6 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं। सो ये सारे स्टेप्स थे जब हम एक IVF को सक्सेसफुली कराने के कोशिश कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं है जितना ये आसान आपको लगता है, इसलिए इसके साथ मल्टीपल रिस्क, बहुत सारे रिस्क या ऐसा कह सकते हैं चांसेस ऑफ फेलियर भी जुड़े हुए हैं। जो सबसे पहला चांस है मल्टीपल प्रेगनेंसीज से कैसे, जैसे कि हमने लास्ट स्टेज में देखा, हम लोग 1 से लेकर 3 एम्ब्रियो तक ट्रांसफ़र करते हैं मदर के अंदर। तो तीनों एम्ब्रियो अगर अंदर इम्प्लांट हो जाए और इस्टेब्लिश हो जाए तो उस वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। सेकेंड रिस्क इज ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये जनरली इस वजह से होता है क्योंकि हम ओवरी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाई डोजेज ऑफ हार्मोन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाके। थर्ड इज ओवेरियन टॉर्शन, जिसमें ओवरी ट्विस्ट हो सकती है और आगे जाके आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज रेट ऑफ अबॉर्शन। ये IVF की प्रोसेस बहुत ही केयरफुली कैरी आउट कराई जाती है। अगर कोई भी स्टेज पे या जेस्टेशन जो 9 मंथ का पीरियड है उस दौरान अगर ज़रा से भी प्रॉब्लम होगी तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी, लो बर्थ वेट बेबी एक्सेट्रा। जनरली जो बेबीज इस तरीके से बनाए जाते हैं उनकी प्री मेच्योर डिलीवरी देखी जाती है और लो बर्थ वेट बेबी का देखा जाता है। इसीलिए इन सब रिस्क को ध्यान में रखते हुए IVF को कराया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द IVF। थैंक यू फॉर लिसनिंग।